गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. वी आर स्टार्टिंग विद द हिंदू एनालिसिस ऑफ 13 जनवरी. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इज इट इन न्यूज? न्यूज में क्यों है? आपने सुना होगा 12 बीजेपी एमएलए फ्रॉम विच स्टेट? महाराष्ट्र से. उनको एक साल से ज्यादा हो गया उनके हाउस ने मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ने सस्पेंड कर रखा है. ठीक है, सस्पेंड कर रखा है. तो इस पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है. हाउस कैन नॉट सस्पेंड मेंबर्स फॉर मोर देन 59 डेज. 59 डेज कितने हो गए? 2 महीने हो गए. सुप्रीम कोर्ट 2 मंथ. ठीक है, न्यूज में क्यों है? बिकॉज एक केस जो अभी चल रहा है कोर्ट में, केस ऑफ व्हाट? सस्पेंशन ऑफ 12 बीजेपी एमएलए फ्रॉम महाराष्ट्र असेंबली फॉर 1 ईयर. अब रूलिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सच सस्पेंशन इज प्राइमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. दिस इज प्राइमा फेसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. प्राइमा फेसी मीन्स ऑन द फेस ऑफ, मतलब बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. प्राइमा फेसी, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? यहाँ पर एक आर्टिकल साइट किया गया, आर्टिकल 190 क्लॉज 4. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मेंस में, अब जो मेंस होगा या प्रीलिम्स होगा, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन. ओके, आर्टिकल 190 क्लॉज 4 सेज इफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग. ये पॉलिटी में भी पढ़ा होगा. इफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग विदाउट हाउसेज परमिशन फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज. वहां पे क्या था? 59 डेज. ठीक है, हाउस में डिक्लेयर द सीट वेकेंट. हाउस उस सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर देगा. लेकिन यहाँ पे क्या किया है? वेकेंट डिक्लेयर नहीं किया है, सस्पेंड कर रखा है. आ रहा है समझ में? प्रोविजन क्या कहता है? आर्टिकल 190 क्लॉज 4 सेज कि उसको आप वेकेंट डिक्लेयर कर दो ना, ताकि कोई और ऑक्यूपाई कर ले. डेमोक्रेटिक सेटअप में जो लोग पीपल को, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको आपने सस्पेंड कर रखा है. ठीक है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे ना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को. ठीक है, उसको आप वेकेंट डिक्लेयर कर दो ताकि उसको फिल करें बाद में. ठीक है, आर्टिकल 190 क्लॉज 4 सेज इफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स विदाउट परमिशन फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 60 डेज द हाउस में डिक्लेयर इट वेकेंट. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वेकेंट नहीं हो रहा. यहाँ पे यू आर सस्पेंडिंग. एक साल से सस्पेंड कर रखा है, ऐसा कैसे चलेगा ना? क्योंकि डेमोक्रेसी का एसेंस क्या है? यू आर रिप्रेजेंटिंग पीपल. तो वो लोग जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से थे, ये एमएलए, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? उनकी नीड्स को कौन रखेगा हाउस में? ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाउस इज पास टू सस्पेंड अ मेंबर कैन नॉट बी फॉर मोर देन 59 डेज. और अगर आपको सस्पेंड करना है तो मैक्सिमम 59 डेज तक करो. उसके बाद क्या करो? या तो वेकेंट डिक्लेयर कर दो या फिर सस्पेंशन खत्म कर दो. ठीक है, ऑल्सो ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज एन इक्वल राइट टू बी रिप्रेजेंटेड इन द हाउस एंड नन कैन रिप्रेजेंट दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन एब्सेंस ऑफ इलेक्टेड एमएलए. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को राइट है कि उसको रिप्रेजेंट किया जाए हाउस में. ठीक है, यही तो डेमोक्रेसी का एसेंस है. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन. इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. तो अगर आप इनको सस्पेंड करोगे, एक साल तक सस्पेंड रखोगे, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? उनकी डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाएगा? ओके, यस एवरीवन, गॉट इट मैम? बट नथिंग, अभी ये सिर्फ रूलिंग आई है, जजमेंट इस पे फाइनल नहीं आया. इस केस पे अभी जजमेंट नहीं आया, जजमेंट इज अवेटेड. ओके, सो दिस इज आर्टिकल 190 क्लॉज 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ओके, सॉरी, बिल्कुल वो तो है, वो अलग चीज है ना, बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस है. नाउ कमिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 का इसका रिपोर्ट आया. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये रिलीज कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स, ये लंडन बेस्ड है. ठीक है, लंडन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी एक फर्म है वहां की. ये काम कर रही है, इस पर क्या करती है कि कंट्रीज के पासपोर्ट कितने स्ट्रांग है, यानी कंट्री की इमेज कितनी स्ट्रांग है, उसके बेसिस पे उनको रैंक करती है. कंट्री की इमेज स्ट्रांगेस्ट का मतलब
किस कंट्री में उनको वीजा नहीं लगता जाने के लिए? वीजा क्या होता है? पासपोर्ट और वीजा में क्या डिफरेंस है? पासपोर्ट तो आइडेंटिटी है, और वीजा किसी कंट्री में एंट्री के लिए एंट्रेंस तो कह सकते हैं इसको। गुड, पास। पासपोर्ट इज योर ट्रैवल आइडेंटिटी। ट्रैवल आइडेंटिटी। पासपोर्ट कौन इशू करेगा? जिस कंट्री के आप सिटीजन हो, ठीक है, वो आपकी ट्रैवल आइडेंटिटी है। लेकिन वीजा क्या है? वीजा आपको परमिट देता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए या स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, दैट इज वीजा। वीजा कौन इशू करेगा? जहां आपको जाना है डेस्टिनेशन बेस्ड कंट्री, ठीक है, डेस्टिनेशन की जो कंट्री होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घूमने के लिए मालदीव जाना है तो वीजा नहीं लगता वहां पर, ठीक है। स्क्रीन रुक गई क्या? हाँ, मतलब सॉरी, वो आज ले लेंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी यार। तो डिफरेंस बिटवीन वीजा एंड पासपोर्ट इज क्लियर? पासपोर्ट इज आइडेंटिफिकेशन, वीजा इज व्हाट? मैम, हम वीजा पे रुक गए थे। वीजा इज अ परमिट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ओके। वीजा को कौन इशू करेगा? जहां आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो उस कंट्री की कंसर्न्ड अथॉरिटी, जनरली कौन होती है? एम्बेसी या कॉन्सुलेट, ठीक है। नाउ योर होमवर्क इज, आपको होमवर्क है H1B और गोल्डन वीजा, ठीक है। H1B क्योंकि न्यूज में था तो समझ के आना है क्या है, और गोल्डन वीजा क्या है, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस हैनले पासपोर्ट इंडेक्स इज रिलीज बाय Handley and Partners, which is a London-based firm. Okay. Purpose क्या है? To rank 199 passports, यानी 199 countries according to the number of destinations their holders can access without a prior visa. ठीक है? वो countries 199 किसको rank करेगा? जिनमें आप बिना visa के access कर सकते हो। अगर आपके पास ज्यादा countries हैं जिनमें आप बिना visa के जा सकते हो, तो आपकी soft power ज्यादा है। इंटरनेशनल रिलेशंस में सॉफ्ट पावर पढ़ा था, क्या होती है सॉफ्ट पावर? अभी पढ़ा नहीं है। कोर्सिव मेजर, हम ट्रेडिंग इकोनॉमी, बिना उसके, बिना आर्मी के, मतलब बिना वॉर के थ्रू किसी को जीत रहे हो, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट पावर क्या होती है? बिना वायलेंस के भाईचारे से कितना अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सकते हो, कितनी आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नाउ सी, 199 इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, लेकिन अभी 199 है। सपोज इंडिया का पहले 10 कंट्रीज के साथ ऐसा रिलेशन था जहां पे आप बिना वीजा के जा सकते हो। जैसे इंडिया के सिटीजन को कहां वीजा नहीं लगता अभी? नेपाल, सेशल्स, मालदीव, भूटान में नहीं लगता। श्रीलंका, भूटान में नहीं लगता। भूटान में, श्रीलंका में भी नहीं लगता। तो वो परमिट हो सकती है, वीजा नहीं है, ठीक है। ऐसे तो इंडिया में भी इनर लाइन परमिट है अपने ही स्टेट में जाने के लिए नॉर्थ ईस्ट के, है ना, लेकिन वो वीजा नहीं है ना, वीजा नहीं लगता, ओके। अब इसको डेटा कौन प्रोवाइड करवाता है? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसके लिए डेटा कौन देता है? कैलकुलेट तो ये लोग करते हैं, लेकिन ये लोग कहां से डेटा लेते हैं? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ओके, गॉट इट। 2022 की रैंकिंग, फर्स्ट रैंक पे कौन आया? टाई हुआ है किसके बीच में? जापान एंड सिंगापुर। इंडिया की रैंक क्या है? नाउ सी, आई टोल्ड यू कि यूपीएससी के लिए आपको किस पर नजर रखनी है, ट्रेंड्स पे, है ना। तो भले ही आपको फिगर याद रहे ना रहे, ये पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, उसका स्टेटस इंप्रूव हुआ है या डेटीरियोरेट हुआ है। तो यहाँ पर इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है, है ना। स्टेटमेंट आ सकता है, स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे इंडिया हैज परफॉर्म्ड वेरी बैडली, तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इम्प्रूव हुई है रैंक। पहले कितनी थी? 90, अब कितनी हो गई है? 83, ठीक है। और वर्स्ट किसका परफॉर्मेंस आया है? अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी हुआ था तालिबान ने पावर ले ली, ठीक है, कू हो गया वहां पर, इसलिए, ओके। सो द पर्पस इज
कि कितनी कंट्रीज के साथ आप बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हो। दो कंट्रीज के बीच में वीजा एग्रीमेंट साइन होता है तो वहां पर होता है कि आपको वीजा नहीं लगेगा, है ना। इसका मतलब आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, आपका ट्रस्ट है एक दूसरे के सिटीजन पे, यही रिफ्लेक्ट करेगा ना। अगर आपको पाकिस्तान में बिना वीजा के अलाउ कर दें तो इसका मतलब पाकिस्तान को आप पे ट्रस्ट है, और ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। सेंसिटिव इश्यूज पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। लास्ट ईयर का मुझे भी याद नहीं है, जर्मनी होगा, हो सकता है जर्मनी था। जापान है, ठीक है, अभी जापान है, लास्ट ईयर जर्मनी था। जर्मनी था। वर्स्ट इज अफगानिस्तान, और इंडिया की रैंक इम्प्रूव हुई है, तो आपको फर्स्ट लास्ट और इससे पहले जो भी था ना वो याद नहीं रखना, बिना मतलब बर्डन नहीं बढ़ाना है माइंड का। क्यों? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जिस साल एग्जाम दोगे उससे पहले की जो रैंकिंग होगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ कमिंग टू रिटेल इन्फ्लेशन। न्यूज में ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन राइज पर है, है ना। ओके, टेल मी इंडिया का इन्फ्लेशन टारगेट क्या है? 2 से 6 के बीच में, 4 प्लस माइनस 2% इन्फ्लेशन टारगेट। 4 प्लस माइनस 2%, है ना। अभी कितना हो गया रिटेल इन्फ्लेशन? 5.59। ये 6% के पास जाने वाला है ना। अगर 6% हो गया तो हम इस ब्रैकेट को ब्रीच कर देंगे। मैक्सिमम 6 हो सकता है ना, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन कुछ चेंज होंगे या फिस्कल पॉलिसी में चेंज होगा, लेकिन अभी तक ब्रैकेट के अंदर है, बट इट कैन क्रॉस एनी टाइम, है ना। इन्फ्लेशन क्या होता है? सस्टेन इंक्रीज जनरल गुड एंड जनरल प्राइस लेवल। जनरल किसी पर्टिकुलर बास्केट को नहीं देख रहे हैं, जनरल प्राइस लेवल। जब हम पर्टिकुलर कैटेगरीज को देखते हैं तो उनकी अलग अलग हेडिंग्स हैं, स्टैग्फ्लेशन और, है ना, हेडलाइन कोर, ठीक है। नाउ सी दिस, न्यूज में क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया में कहां पहुंच गया? 5.59%। इसका मतलब रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल की हम यहाँ बात नहीं कर रहे, तो ये किसके बेसिस से कैलकुलेट किया होगा? इट इज रिटेल, नॉट होलसेल। सीपीआई बेस्ड है। इंडिया में इन्फ्लेशन सीपीआई बेस्ड ही कंप्यूट होता है ना, होलसेल बेस्ड नहीं होता, ठीक है। तो रिटेल इज सीपीआई बेस्ड, और सीपीआई में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? फूड, फ्यूल, हाउसिंग, बेडिंग, है ना, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी। अब इसका रीजन क्या है? मेन रीजन, रिटेल में ये सारे बास्केट्स हैं, सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, लेकिन मेन रीजन क्या है? इंक्रीज इन फूड प्राइसेस। यानी सबसे ज्यादा वेटेज किसका इन्फ्लेशन बढ़ने में? फूड प्राइसेस का, ठीक है। फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है ना, लेकिन हाँ, लेकिन प्राइस अभी फूड की प्राइसेस की बढ़ रही है, तो ये जनरल प्राइस लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल का ये भी पार्ट है और इन्फ्लेशन हो रहा है। ओके, ये हमने कर लिया था इन्फ्लेशन में ना। मैम, डिमांड और सप्लाई में भी कोई रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है, डिमांड और सप्लाई में रिलेशन होता है ना। डिमांड और सप्लाई का मिसमैच ही तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। हमको किस पे लाना होता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। उसी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड, फिस्कल पॉलिसी स्टैंड होते हैं, है ना। रीजंस क्या है फूड प्राइसेस इंक्रीज होने के? जो अभी मेन रीजंस चल रहे हैं ना, एक तो सीजनल रेनफॉल में जो डिस्पैरिटी है, ठीक है, कभी भी रेनफॉल आ रही है जब आनी चाहिए और जब नहीं आनी चाहिए, है ना। एक चीज है एलिवेटेड फ्यूल प्राइसेस। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से सीपीआई में हमने देखा फ्यूल बास्केट भी है, फ्यूल प्राइसेस भी इंक्लूडेड है, है ना। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने का क्या रीजन होता है? एक तो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं ना, वो महंगा इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर उस पर ड्यूटी ज्यादा लग रही है, उस पर ड्यूटी लग रही है, ठीक है। पहले ही वो इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, उस पर ड्यूटी ज्यादा लग रही है ना, तो हमारे यहाँ उसकी प्राइस ज्यादा है। और पेट्रोलियम को अभी जीएसटी से बाहर है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टैक्स लगा सकते हैं आउट ऑफ जीएसटी। अभी जीएसटी ही नहीं लग रहा है इस पे ना, स्टेट के टैक्सेस भी हैं, तो ये क्या हो गया? डिस्पैरिटीज हो गई। किसी स्टेट में क्या रेट चल रही है और किसी स्टेट में क्या,
फिर ये ऐसे क्यों कह रहे जैसे कि पेट्रोल जो नेपाल यस कहते हैं ना कि पेट्रोल जो नेपाल वो इंडिया से लेता है बट उसके प्राइसेस वहाँ पे कम है, ड्यूटीज कम लगा रखी है उसने, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी कम लगा रखी है। ऑल राइट, कमिंग टू इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन है क्या मैंडेट है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन करवाना है पार्लियामेंट के। मेन मोटो क्या है इलेक्शन कमीशन का? फेयर एंड इलेक्शन करवाना, फ्री कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन आर द एसेंस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का एसेंस इलेक्शन है। अगर इलेक्शन ही फेयर नहीं होंगे, लीडर्स गलत चुने जाएंगे, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना? डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। इलेक्शन कमीशन कौन सी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी? कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्लियरली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। व्हिच आर्टिकल? आर्टिकल 324। उसके जो अलग अलग क्लॉजेज है, अलग अलग एस्पेक्ट से डील करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 324। लेकिन इसका आर्टिकल 324 का क्लॉज 2 जो है, अब ये जो सेक्शन है ना, ये एडिटोरियल वाला है, हिंदू का एडिटोरियल है। बहुत अच्छा इसमें सजेशन दिया है ऑथर ने। क्या बोला उन्होंने कि आर्टिकल 324-2 क्या कहता है, बोथ नंबर एज वेल एज टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसको चेंज करने की और डिसाइड करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो बना दिया, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, फाइनल अथॉरिटी किसकी होगी? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 324-2 क्या कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन जैसी इंपॉर्टेंट बॉडी जो इंडिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है ना, उसका जो नंबर होंगे मेंबर्स के और उसका जो टेन्योर होगा, है ना, वो कौन फिक्स करेगा? प्रेसिडेंट करता है मैम, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। ठीक है, पहले पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और उसको इफेक्ट किस नाम से आएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, इतनी बड़ी बॉडी को आपने एग्जीक्यूटिव के अंडर में रख रखा है, हो गया ना एग्जीक्यूटिव के अंडर में? यस मैम। नहीं हुआ, फाइनल डिसीजन किसका हो रहा है? पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड ओनली। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ नॉमिनल हेड एंड अ रियल हेड? नॉमिनल हेड क्या होता है? सिर्फ साइन करता है ना प्रेसिडेंट के, उनके बिहाफ पे होता है सारा। कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम। हाँ, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो रियल पावर तो इनके पास है। अगर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो भी उसमें किसका डिसीजन रिफ्लेक्ट हो रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। आपने इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाली बॉडी को एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस में रख रखा है, डू यू एक्सपेक्ट देन कि इलेक्शन फेयर और फ्री होंगे? नहीं नहीं, तो इस इशू को हाईलाइट किया, वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि इलेक्शन कमीशन क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? जिसके पास इलेक्शन से रिलेटेड होने की भी, डिसीजन देने की भी पावर हो, जैसे सिविल कोर्ट के पास होती है ना, सिविल कोर्ट, इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है ना, क्रिमिनल केसेस नहीं हैंडल करेंगे, सिविल केसेस। इलेक्शन कमीशन किसके केस लेता है? क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड मेंबर्स। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन केसेस आर टेकन अप, दैट्स व्हाई इलेक्शन कमीशन इज कॉल्ड एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, लेकिन फंक्शन के बेसिस पे अगर देखें तो क्वासी जुडिशियल भी है ना। इलेक्शन कमीशन डिपेंडेंस ऑन एग्जीक्यूटिव शुड बी रिड्यूस, इसलिए आपको इसकी एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंस रिड्यूस करनी है। आया समझ में? क्यों करनी है? इतनी बड़ी बॉडी जो पूरे इलेक्शन को मॉनिटर करती है, उसको ही आपने एग्जीक्यूटिव के लिए रख रखा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस पर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं होगा? होगा ना, जो पावर में होगी। ठीक है, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा, जो उसका मैंडेट है? विच वन? इंडिपेंडेंट। हाँ, यहाँ पे भी सजेशन दिए गए हैं क्या किया जा सकता है। ठीक है, सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी था, अभी भी है। एक कमेटी बनाई गई थी, कौन सी? तारकुंडे कमेटी, 1975 में। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, ऑन एडवाइस ऑफ अ कमेटी कंप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा ऑपोजिशन लीडर एंड सीजेआई।
प्रेसिडेंट ठीक है, कौन कौन होना चाहिए? अपॉइंटेड ऑन एडवाइस ऑफ अ कोलेजियम, एक कमेटी बनाओ, कोलेजियम बनाओ जिसमें कौन कौन हो, पीएम तो हुई ठीक है, वहां आपकी ऑपोजिशन लीडर हो जा गई ठीक है, लोकसभा ऑपोजिशन लीडर, ऑपोजिशन लीडर दोनों हाउस में होते हैं, लोकसभा में अलग होते हैं, राज्यसभा में अलग होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी का लीडर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हो ठीक है। इस सेम थिंग को किसने रिपीट किया? यस, कोई डाउट नहीं? इस सेम थिंग को किसने रिपीट किया? दिनेश गोस्वामी कमेटी और लॉ कमीशन ने भी, लॉ कमीशन ठीक है 2015 में लॉ कमीशन ने भी यही सजेस्ट किया कि जो बॉडी है ठीक है, आप सिर्फ ऐसे नहीं कि लॉ बना लिया पार्लियामेंट ने उसके बाद प्रेसिडेंट के नाम पे आपने अपने ही इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करवा दिया है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करा दिया, आप एक प्रॉपर कोलेजियम बनाओ, कमेटी बनाओ जिसमें कौन कौन मेंबर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा नॉट राज्यसभा, लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनादर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1990, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इन्होंने भी यही चीज रेकमेंड की ओके, और सेम चीज को रेटरेट किया लॉ कमीशन में, रेटरेट मतलब रिपीट उसका सिनोनिम है ठीक है। इसके बाद जो हमारी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी है ठीक है, एआरसी क्या है? रुक गया, फिर रुक गई स्क्रीन। एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी, अरे इकोनॉमिक्स वाला नहीं, नहीं। है प्रशासनिक सुधार वाला नहीं है, प्रशासनिक सुधार एआरसी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए बनाया था। सेकेंड एआरसी की जो फोर्थ रिपोर्ट है उसने क्या सजेस्ट किया? सेकेंड एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट ने सजेस्ट किया, इसने एक चीज ऐड कर दी, सेम कॉलेजियम रखो उसमें एक और चीज ऐड कर दो, लॉ मिनिस्टर को भी ऐड कर दो, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को ऐड कर दो ठीक है, क्लियर? लॉ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ओके टेल मी हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है ना, समझ आ गया? एक्स ऑफिशियो बिकॉज दे आर वाइस प्रेसिडेंट, ही इज वाइस प्रेसिडेंट ऑन बाय वर्च्यू ऑफ द पोस्ट इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ओके तो इनको भी इंक्लूड कर लो। इसके अलावा इस केस से यानी इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म की जो बात चल रही है इसके अपॉइंटमेंट में है ना, टेन्योर को चेंज करने में, क्या इससे पहले हमारे पास कोई केस नहीं आया था? आया था, हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट वाला नहीं है, प्रेसिडेंट क्या होता है, कोई एग्जांपल, कोई प्रीवियस केस आप जब एग्जांपल के उसमें लेते हो तो उसको आप क्या बोल देते हो, प्रेसिडेंट। विच केस? रोजर्स मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। इस केस में क्या आर्ग्यू किया गया था? केस आर्ग्यूड अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव बीइंग द सोल अपॉइंटर फॉर अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, यही आर्ग्यूमेंट था। इलेक्शन कमीशन जैसी बड़ी बॉडी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए, जो जिसका काम है इंडिया में डेमोक्रेसी को एनफोर्स करना, इलेक्शन को फ्री और फेयर कंडक्ट करवाना, उसी को आपने पूरा एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस में रख रखा है, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि इंडियन डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक रहे, क्या ये हो सकता है? नहीं। तो कितना बड़ा इशू था, है ना? गुड आर्टिकल इट वॉज, ओके। तो क्या सजेशन दिया कि आप उसमें रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करो, पीएम के साथ साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी लो, और किसको लो, सीजीआई और लॉ मिनिस्टर और डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, और यही चीजें लॉ कमीशन ने, दिनेश गोस्वामी कमेटी ने, इन्होंने भी रिपीट की, रिपीटेडली सजेस्ट किए, ओके। हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि प्रेसिडेंट को हम कुछ मतलब जैसे बाइंडिंग होता है ना आर्टिकल 74 के हिसाब से, तो कि मतलब प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस के लिए बाइंडेड है, को ऐसे कुछ बना दें कि कुछ डिसीजंस के लिए प्रेसिडेंट बाइंडिंग ना हो? कर सकते हैं, बहुत सारे डिसीजन के लिए बाइंडिंग नहीं है ना president? नहीं है, अभी भी नहीं है प्रेसिडेंट, बहुत सारे डिसीजन के लिए प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं दी है ना, जैसे फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होती है प्रेसिडेंट को, लेकिन बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मानने के लिए बाइंड नहीं होता वो, सुप्रीम कोर्ट मतलब के जो एडवाइस बहुत सारी चीजें हैं। मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूं ना, मैं इलेक्शन कमीशन की स्पेसिफिक इसलिए बोल रहा था। यस, शैल वी मूव अहेड, डेमोक्रेटिक
डिविडेंड, सॉरी डेमोग्राफिक डिविडेंड. क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? बहुत सुना होगा कि इंडिया अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्टेज पे है, हमको उसका बेनिफिट लेना चाहिए. सुना होगा? यस मैम. कि मैम कंट्री में कितने लोग हैं जो सी दिस ग्राफ? यस मैम, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है ना वो सबसे ज्यादा है इंडिया के अंदर. एडल्ट यंग पॉपुलेशन को जब हम पिरामिड अगर बनाए पॉपुलेशन के हिसाब से कैटेगरी डिवाइड करें, सबसे नीचे रखा जाता है. ठीक है, यंग एज ग्रुप नीचे से स्टार्ट होगा ना यंग. ठीक है, अगर इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये जो बेस है ये बड़ा होगा. yes. इतना होगा इन कंपैरिजन टू अगर कम है. ठीक है, यंग पॉपुलेशन अगर बनाना चाहो तो बना लेना ये डायग्राम. ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कौन आएगा, वर्किंग ग्रुप या एडल्ट, है ना? वो सपोज इतने हैं वर्किंग ग्रुप. वर्किंग ग्रुप की एज ब्रैकेट क्या है? 15 to 59 ईयर्स. ठीक है, और यहाँ पर सपोज इतना है, ज्यादा है. उसके बाद एल्डरली और कम, तो ये एक पिरामिड बन गई. टैपर्ड एट द टॉप, इसका मतलब क्या है? एल्डरली पीपल कम है और यंग ज्यादा है, तो वर्किंग ग्रुप भी आपके पास ज्यादा है. ठीक है, जब आपके पास वर्किंग ग्रुप ज्यादा है तो इकोनॉमी की ग्रोथ इसी ग्रुप से होती है ना, वर्किंग ग्रुप से ही होती है ना. ये और ये तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, दे आर डिपेंडेंट ऑन दी वर्किंग वंस इन देयर फैमिलीज. ओके, इसके अलावा अगर ये देखें तो जब यंग पॉपुलेशन कम होती है तो ऐसा कुछ पिरामिड बनता है. ठीक है, यंग पॉपुलेशन कम है. अब डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या हो रहा है? यंग पॉपुलेशन कम है, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है. ये यहां से बड़ा दिख रहा है ना, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है. तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, कैसे ये बेनिफिट दे सकता है? और यंग पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम है, तो जो आप पर चाइल्ड इन्वेस्ट करो उसका रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहेगा. आया समझ में डिफरेंस? मैम क्या डिफरेंस है एक बार समझा दो. मैम ये जो फर्स्ट वाला पिरामिड आपने बताया ना, तो ये आगे जाके सेकंड वाला ही तो हो जाएगा. हाँ, आगे जाके मतलब सी दिस पैराग्राफ. स्मॉल शेयर ऑफ चिल्ड्रन इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में अगर चिल्ड्रन कम होंगे इनेबल्स हायर इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा और पर चाइल्ड. कैसे? अगर नंबर कम होंगे चिल्ड्रन के तो आपका जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ा दोगे. पहले अगर 10 बच्चों में इन्वेस्ट करना था और अब 5 में ही करना है, अमाउंट उतना ही है, तो एक से ज्यादा इन्वेस्ट हो पाएगा ना. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की थ्योरी क्या कहती है? अभी इंडिया में फर्टिलिटी रेट गिर रही है, यानी बर्थ रेट कम हो रही है. ठीक है, एजुकेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, इसलिए फर्टिलिटी कम हो रही है. क्लियर? फर्टिलिटी कम हो रही है तो जो चिल्ड्रन वाला ब्रैकेट था ना सेकेंड ड्राफ्ट, चिल्ड्रन वाला ब्रैकेट कम हो रहा है. वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, वर्किंग पॉपुलेशन तो है ही ना, जो उस एज में पहुंच गया वो तो है ही, लेकिन एड कम हो रहा है ना, चिल्ड्रन कम है. तो जो इन्वेस्टमेंट पहले ज्यादा चिल्ड्रन पे करना पड़ता था अब कम पे कर रहे हैं, तो ज्यादा कर पाएंगे. अगर उनसे ज्यादा कर पाएंगे वो आगे जाके वर्किंग एज में आएंगे, ज्यादा एफिशिएंट होंगे नहीं होंगे पहले वाले से. दैट इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, लाभांश. हमने इकोनॉमिक्स में क्या देखा था? डिविडेंड क्या होता है? द प्रॉफिट विच इज शेयर्ड, है ना. तो आपको प्रॉफिट शेयर होगा ना, आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हो. देयर इज अ टर्म कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन एज अ रिसोर्स आप यूज कर रहे हो ना, ह्यूमन रिसोर्स ही तो है आपकी कंट्री के लिए, आपको डेवलप कर रहा है, कंट्री को डेवलप कर रहा है ना. ये आया सबको समझ में कंसेप्ट? अच्छे से समझ आ गया ना. डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है कि आपकी पॉपुलेशन में वर्किंग पॉपुलेशन का शेयर ज्यादा है, चिल्ड्रन कम एड हो रहे हैं, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है पर कैपिटा वो कम लोगों पे करना पड़ रहा है. तो आप ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो क्वालिटी आएगी, रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे. ठीक है, कैसे कर सकते हो? बाय एजुकेशन, एजुकेशन डेवलपमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट करना है, प्लस उसमें आपको जेंडर इक्वालिटी का भी ध्यान रखना है. ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज का डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, जेंडर इक्वालिटी और इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, ये दो कॉन्सेप्ट अलग से यहाँ क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट हर चीज में आने चाहिए. आपको इन दोनों पॉइंट्स को कभी मिस नहीं करना है. किसी भी प्रॉब्लम में ये भी इशू होता है, इस एस्पेक्ट को भी टच करना है और
हर चीज में इंडिया जैसा बड़ा स्टेट है, डाइवर्सिटी वाला स्टेट है, तो हर चीज में डिस्पैरिटीज होंगी इंटर स्टेट, उसको भी हमको इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज को एड्रेस करते रहना है. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. एवरीवन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हेन फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंस, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज इज सब्सटेंशियल यील्डिंग द प्रॉफिट. वर्किंग एज इज 15 to 59. सेकेंड वाला, डेमोग्राफिक डिविडेंड की थ्योरी क्या कहती है कि फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंस यानी नीचे से कम होगा, वर्किंग एज वाला ज्यादा होगा. तो डायग्राम कैसा बनेगा, नीचे से थोड़ा सा टेपर्ड रिड्यूस, ये वाला डायग्राम बनेगा, दिस वन. यंग पॉपुलेशन, बट वर्किंग पॉपुलेशन इज मोर देन यंग पॉपुलेशन. इट इज शोइंग व्हाट, कि आपकी फर्टिलिटी रेट कम है, एड कम हो रहे हैं और ये वाले ब्रैकेट में ज्यादा है, तो इसका आप फायदा उठा सकते हो तो उठा लो, अगर नहीं उठाया तो फिर क्या होगा, ये एल्डरली बन जाएंगे, नए एड कम हो रहे हैं पहले से, वो ऊपर से एल्डरली और बन जाएंगे, तो पहले ये भी डिपेंडेंट हो जाएगी और डिपेंडेंट पॉपुलेशन का सेक्शन ज्यादा हो जाएगा, वर्किंग पॉपुलेशन का कम हो जाएगा. तो इंडिया में अभी भी हम बेसिक चीजें ही फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे रीप करेंगे, है ना? हमको बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लें. ठीक है, ऑलराइट. नाउ दिस आईएन है, आईएन इन स्पेस, थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे. इसरो के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए थे ना, तो इसरो इज इन न्यूज, इसरो तो सबको पता है ना, लेकिन इन स्पेस क्या है, इन स्पेस भी आ सकता है प्रीलिम्स में. इन स्पेस इज इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी. आपने देखा होगा अभी स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट एजेंसीज आ रही हैं, प्राइवेट एंटिटीज आ रही हैं, तो गवर्नमेंट वाला तो कौन रेगुलेट करेगा, इसरो. लेकिन जो प्राइवेट एंटिटीज काम कर रही हैं स्पेस सेक्टर में, उसको रेगुलेट कौन करेगा, वो किस बॉडी, नोडल एजेंसी के अंडर में आएगी, इन स्पेस. इन स्पेस इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, डीएमओ के अंडर में आता है, पीएमओ. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट पीएमओ के अंडर में रखे गए हैं, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं रखे गए. ओके, एनी डाउट फॉर अलाउइंग एक्टिविटीज एंड यूजेज ऑफ गवर्नमेंट ओन फैसिलिटीज, विच फैसिलिटीज, स्पेस रिलेटेड, सारी नहीं है, स्पेस का काम है. ठीक है, space related facilities by non governmental private entities. okay, so in space ka kaam kya hai, hamari government of india ki jo government related entities hain unko use karega agar koi private entity, kis cheez ke liye, koi launch karna hai, mission launch karna hai, to usko kaun regulate karega, in space. aise isro ka jo commercial wing hai, commercial purpose ke liye jo bhi kaam hota hai na, kuch sale purchase ho gaya hai na, जैसे हम कुछ परचेज करते हैं, कुछ सेल करते हैं, किसी की सैटेलाइट, कोई टेक्नोलॉजी, तो कमर्शियल विंग जो है इसरो का, उसका क्या नाम है, एनीवन? इसरो में भी अलग अलग विंग्स होते हैं ना, इसरो के कमर्शियल विंग का क्या नाम है, एंट्रिक्स नाम है इंग्लिश में, अभी लिखते हैं. पहले ये देख लो, इट विल परमिट एंड ओवरसी द लॉन्च व्हीकल्स एंड सैटेलाइट्स बाय नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटिटीज, है ना? तो ये नोडल एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और गवर्नमेंट वाले को कौन रेगुलेट करेगा, इसरो, इसरो ओनली. ऑलराइट, ये याद रखना है टर्म, पूछा हुआ है प्रीलिम्स में दिस टर्म, अंतरिक्ष, और हिंदी में अंतरिक्ष, ठीक है, इज व्हाट इट इज, लिख कमर्शियल, कमर्शियल विंग, यानी उसके जो कमर्शियल काम है, सारी डीलिंग्स कौन करता है, ये करता है विंग ऑफ इसरो. ठीक है, कमर्शियल विंग. ओके, नाटो, नाटो एंड रशिया डिस्प्यूट. नाटो क्यों बनाया गया था, नॉर्थ
क्या फुल फॉर्म है? नॉर्थ नॉर्थ एटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन. क्यों बनाया था नाटो? यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था. कब तक चला था? जब तक वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था यूएसएसआर, है ना, 1991 तक. तो उस टाइम क्या था, ये दोनों क्या सुपर पावर थी, क्या करना चाह रही थी, सारी कंट्रीज को अपनी तरफ करना चाह रही थी. यूएसए चाह रहा था कि वो सबको कैपिटलिस्ट बना दे और यूएसएसआर चाह रहा था सबको सोशलिस्ट बना दे. तो यूएसए ने क्या किया, यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए और यूएसएसआर से कोई थ्रेट ना हो इस चीज को एंश्योर करने के लिए नाटो बनाया. इसमें यूएस की कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, है ना. नाटो वॉज फॉर्म 1949 में. ओके, एस्टेब्लिश बाय नाटो ट्रीटी. ये जिस ट्रीटी के तहत बना उसका एक दूसरा नाम भी है, वॉशिंगटन ट्रीटी. तो अगर कभी मैच करने को आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना. वॉशिंगटन ट्रीटी एस्टेब्लिश नाटो, ओके, टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन. पुराना नाम क्या है रशिया का? सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, है ना. तो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना इसका एम था नाटो का, इसलिए बनाया गया था. ठीक है, अब तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी अभी वापस न्यूज में आ गया तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS2 और IR. ओके, अब न्यूज में क्यों है, क्योंकि रशिया ये कह रहा है नाटो की ओपन डोर पॉलिसी है. ओपन डोर है मतलब दरवाजा खुला है, कोई भी आ जाए, कोई भी आ सकता है, यू कैन बी अ मेंबर, ठीक है, ऑफ नाटो. लेकिन रशिया कह रहा है कि हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जो किससे बने, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने से छोटे छोटे जो कंट्रीज बने जैसे यूक्रेन, क्रीमिया, है ना, तो इनको आप मत लो. क्यों? क्योंकि रशिया इनको टाइम टू टाइम हड़काता रहता है, ठीक है, डराता रहता है. अगर यूक्रेन अभी तक मेंबर नहीं है, अगर यूक्रेन मेंबर बन गया नाटो का तो इसको किसकी सिक्योरिटी मिल जाएगी इन सब की? इसका एक आर्टिकल है, इस ट्रीटी का आर्टिकल 5, वो ये कहता है कि नाटो के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक मेंबर पे भी अगर किसी ने अटैक किया तो वो पूरे नाटो पे अटैक माना जाएगा. अगर पूरे नाटो पे अटैक माना जाएगा तो सब मिलके रिटेलिएट करेंगे, है ना, तो रशिया का क्या होगा फिर? ठीक है, तो रशिया को ये डर लग रहा है कि यूक्रेन को ना ले लें, क्योंकि यूक्रेन भी बॉर्डर पे ही है ना. अगर यूक्रेन को ले लिया तो इनकी डिप्लोमेसी का क्या होगा फिर? तो यूक्रेन इसको आंख दिखाने लग जाएगा, है ना. आया समझ में क्यों डिस्प्यूट चल रहा है? ये रीजन है. ओके, मम्मी यूक्रेन वाला एक और बार समझा दो कि यूक्रेन वाला एक और बार. सी, यूक्रेन रशिया को बॉर्डर करता है, मैप देख लो, इनके बीच में तनादनी चलती रहती है ना. यूक्रेन पहले यूएसएसआर का ही तो था, उसी का पार्ट था, डिसइंटीग्रेट. ये बैकवर्ड कंट्रीज है, अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है डिसइंटीग्रेशन की वजह से, है ना. यूक्रेन, देखो ये दिख रहा है रशिया है, है ना. ये वाला ऐसे ही देख लो ना, रशिया है और यूक्रेन है, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है. तो रशिया ये कह रहा है कि यूक्रेन को आप मेंबरशिप मत दो नाटो में. नाटो की पॉलिसी है कि कोई भी आओ, है ना, लेकिन रशिया कह रहा है हम नहीं चाहते यूक्रेन बने. अब क्यों नहीं चाहता वो अपने को समझ आ रहा है ना, क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अगर यूक्रेन बन गया तो रशिया इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि अगर अटैक करता है रशिया यूक्रेन पे तो रिटेलिएट कौन करेगा? सारे नाटो मेंबर्स. ओके, इंडिया मेंबर बना था क्या नाटो का? नाटो में इंडिया है नाटो में, शायद yes. प्रियांशु, अभिनव बोल, थोड़ा जोर से बोला, आवाज नहीं आ रही. मैम इंडिया है शायद नाटो का, इंडिया है, मैम है. डू यू थिंक कि इंडिया ने ऐसा किया होगा कि किसी एक कंट्री को चूज किया होगा कि हम तो इसके साथ जाएंगे? डू यू थिंक? नहीं नहीं नहीं, मैं तटस्थता की नीति अपनाई थी. अभी तक कौन माना जाता है? रशिया. क्या इंडिया ने किया होगा ऐसा कि हम तो यूएस की साइड जा रहे हैं रशिया को? नहीं मैम, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जवाहरलाल नेहरू की नीति अपनाई थी लीडरशिप में. तो NAM था क्या? नॉन अलाइनमेंट. उन्होंने ये बोला कि हम तो किसी के साथ ही अलाइन नहीं हो रहे, ना हम यूएसए के साथ जाएंगे ना हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे, है ना, हम दोनों को बैलेंस रखेंगे.
क्योंकि अगर उसके साथ चले गए तो वो फ्रेंड हो जाएगा, एनिमी बन जाएगा, इसके साथ चले गए तो यूएस, और दोनों एक कैपिटलिस्ट है एक सोशलिस्ट है, हम दोनों में से किसी एक को भी ऑफेंड नहीं कर सकते, दोनों से हमारे अलग रिलेशंस है ना, इसलिए इंडिया ने बीच का रास्ता अपनाया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया कि हम दोनों में से किसी को ज्वाइन नहीं कर रहे, किसी मूवमेंट हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, हम ना नाटो के मेंबर बनना चाहते हैं ना सोशलिस्ट बनना चाहते हैं, और कौन सी इकोनॉमी हमने अडॉप्ट की, मिक्स, ठीक है, अब समझ आ गया, आ गया यूक्रेन का क्या प्रॉब्लम है नाटो के साथ, ओके, ब्रसेल्स बेल्जियम, ये कौन सी कंट्री है, नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन, यूरोप में बेल्जियम पक्का, फिर साउथ में कौन सी है, साउथ अमेरिकन कंट्री, ऐसे एक नाम है ना कुछ, बोलीविया, वेरी गुड मैम, यूएस तो चाहता होगा ना कि यूक्रेन आ जाए नाटो में, यूएस चाहेगा लेकिन रशिया नहीं चाहता, ठीक है, और नाटो में डोमिनेंस किसका है, यूएस का, क्योंकि उसने शुरुआत की थी, आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर अटैक करोगे एक पे भी तो सब पे माना जाएगा, तो इसलिए रशिया को डर लग रहा है भाई इसको मत ले लेना तो, वरना हम किस पे अटैक करेंगे फिर, ओके, अब लास्ट थिंग वाज एडिटोरियल में कि एजुकेशन इमरजेंसी आ गई इंडिया में लॉकडाउन की वजह से, अब एजुकेशन इमरजेंसी के क्या क्या अफेक्ट उन्होंने टच किए थे एडिटोरियल में, पहली बात स्कूल्स बंद है, वो तो एक चीज है, आप उसको वैसे भी जस्टिफाई कर सकते हो कि कोरोना फैल रहा है इसलिए बंद कर रखे हैं, चलो ठीक है, लेकिन जो आपने ऑनलाइन एजुकेशन एडॉप्ट कर ली है हर लेवल पे, ठीक है, प्राइमरी से लेके कॉलेज तक, है ना, हायर लेवल्स पे भी, तो उससे क्या हो रहा है ना, इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको व्हाट्सएप तक चलाने को नहीं मिलता, ठीक है, तो मोबाइल पेनिट्रेशन अभी तक टेलीकॉम पेनिट्रेशन पूरा नहीं हुआ इंडिया में, वहां भी हम लैग करते हैं, तो डिस्पैरिटीज क्रिएट हो रही है, रिसोर्सेज की कमी है, आज भी कुछ टीचर्स हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाते, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक्सेस नहीं कर पाते, तो उनका क्या, वो तो इमरजेंसी हो गई ना, उनका तो लॉस हो रहा है, आपका इतना बड़ा चंक ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्सेस नहीं कर पा रहा उसको, चिल्ड्रन आर ह्यूमन रिसोर्स, रिसोर्स हैं वो देश के एसेट हैं, ठीक है, कांट गो फॉर ऑनलाइन एजुकेशन, तो सजेशन ये दिया है कि आप पूरे सिस्टम को ऑनलाइन मत बनाओ, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन को अडॉप्ट मत करो, इंडिया में अभी फुल फ्लेज ऑनलाइन एजुकेशन अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, पहले हम टेक्नोलॉजी तो बना लें, सबको दे तो दें फोन, उसके बाद करेंगे ना, एक्सेस नहीं है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है ऑनलाइन एजुकेशन में, ठीक है, हाँ, तो ये था आज का हिंदू एनालिसिस, अगर अच्छा लगा समझ आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।